नमस्कार, ए टू जेड डिशेज उषा कुरजानी में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सेजन फली का रसम। अब देखिए, सेजन की फली हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है, ये तो हम सबको पता ही है, पर इसका जो ये रसम है आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। ये रसम बिना दाल के बनाया जाएगा और चावल के साथ ये काफ़ी बढ़िया लगता है। अगर आप रोज़ दाल खाना पसंद करते हैं तो कभी कभी देखो थोड़ा बहुत ना चेंज भी लाओ ज़िंदगी में, परिवर्तन तो लाना ही पड़ता है। तो ये बढ़िया सा रसम बना लो, उसके लिए देखो 250 ग्राम सेजन की फली यानी कि ड्रमस्टिक ले लो। इसे पानी से धोकर इसका छिलका निकाल कर टुकड़ों में काट लो। ज़्यादा छोटे टुकड़े भी मत करना, ज़्यादा बड़े भी नहीं, मीडियम साइज़ के करना। अब यहाँ पर मैंने गैस को ऑन करके कुकर रख दिया है, एक ग्लास पानी डाल दिया इसके अंदर, सेजन की फली डाल देंगे और कुकर का ढक्कन देते हुए सिर्फ एक विसल, एक सीटी आने तक ही पकाना। ज़्यादा इसे पका लिया ना तो क्या होगा, ये अंदर ही टूट जाएगी, तो इसलिए एक सीटी आने तक पका लो। फिर इसे एक बाउल में निकालो और इसे अब ठंडा होने दो, काफ़ी गर्म है। और दूसरी तरफ मैंने है ना एक बर्तन रख दिया है, इसमें मैंने डाल दिया है 2 कप पानी और साथ ही साथ मैंने इमली डाल दी है 2 बड़े चम्मच। इसे हमें लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, फिर गैस को बंद करके इसे भी हमें ठंडा होने देना है। अब ये सेजन की फली ठंडी हो गई तो इसे देखिए इस तरह से खोलकर इसके अंदर का जो पल्प है, इसके अंदर का जो है बीज वगैरह, वो हमें निकालना है, क्योंकि ये जो सेजन की फली का ऊपर वाला छिलका है वो तो हमें नहीं चाहिए, इसके अंदर का जो पूरा भी पल्प है ना वही हमें चाहिए। तो अच्छे से निकाल लेना और चम्मच की मदद से काफ़ी आसानी से निकल जाएगा, हाथ से बहुत मुश्किल होगी तो चम्मच से ही निकालना। और ये इमली भी ठंडी हो गई तो इस इमली को अच्छे से हाथों से मसल कर, ये पानी है इसे हम साइड में रख देंगे, बाद में डालेंगे रसम के अंदर। अब गैस को ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी है, 1 चम्मच तेल डाल दिया है, जैसे गर्म हो जाए ना तो आधी चम्मच इसके अंदर राई डालें, चुटकी भर हींग डाल देनी है, आधी छोटी चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, और इसे 1 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए अदरक लहसुन की पेस्ट का। उसके बाद इसके अंदर आपको डाल देना है 2 से 3 टमाटर काट कर पीस कर, मिक्सर में मैंने डालकर इसे पीस लिया था तो पीसे हुए 2 से 3 टमाटर डाल दें, 2 कटी हुई हरी मिर्ची डाल देनी है और इसे 1 मिनट के लिए भूनना है ताकि टमाटर का कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद नमक स्वाद के अनुसार, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बस मसाले और नमक इतना ही डलेगा, फिर भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा मसाले भी नहीं डालते हैं। अच्छे से मिलाकर जो हमने ये पल्प निकाल के रखा था ना सेजन की फली के अंदर से, वो इसके अंदर डाल देना है, अच्छे से और मिलाना है और 1 से 2 मिनट तक पकाना है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पानी, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 ग्लास भरकर पानी और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। देखिए इस तरह से मिला लेना है और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये इमली वाला पानी। आप जब मैंने 1 ग्लास पानी डाला तब आपको लग रहा होगा कि मैंने कम डाला है रसम के हिसाब से, पर ये इमली वाला पानी भी डालेगा ना इसलिए इतनी ही इसकी जो, देखिए ये इतना ही पतला होना चाहिए, इससे ज़्यादा पानी मत डालना। और इसे आपको लगभग 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है बीच बीच में मिलाते हुए। थोड़े से मैंने धनिया के पत्ते भी डाल दिए, अच्छा सा उबाल आता जाएगा, इसे लगातार इस तरह से बीच बीच में मिलाते हुए पकाते जाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 5 से 6 मिनट हो गए और ये सेजन की फली का रसम बनकर तैयार है। सच्ची में ये इतना हेल्दी और इतना टेस्टी है ना, आपको इसे देखने में लग रहा होगा कि ये टेस्टी नहीं होगा पर ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे गर्मा गर्म चावल के साथ ज़रूर खाएं, आपको बहुत 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 ही मज़ा आएगा, साथ ही साथ हेल्दी भी है और मज़ेदार भी है। तो ट्राई करना और यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।